तो दोस्तों, कैसे आप लोग? आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, क्योंकि आज हम लोग हमारा जो विष्णुप्रिया मणिपुरी लोगों का बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज 16 मार्च है। हमारा जो फ्रीडम फाइटर जो है, वीरंगना, हम लोग वीरंगना फ्रीडम फाइटर बोलते हैं, सुदेशना, माँ सुदेशना सिन्हा, इसी दिन 16 मार्च को शहीद हुई थी। इसलिए आज हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं। और आप सभी को मैं लेके आया वहाँ पे, जहाँ पे जिस जगह पे वो माँ सुदेशना शहीद हुई थी, उस जगह पे मैं आप सभी को लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, चलो। और दोस्तों, इसी जगह पे उसी दिन, मतलब 1996 में इसी जगह पे माँ सुदेशना का शहीद हुई थी शहीद हुआ था उसी दिन। ये हमारा विष्णुप्रिया मणिपुरी जाति के लिए इसी जगह पे दोस्तों। तो ये देखिए, उधर बिलबारी है, तो यहाँ पे हुआ था, बहुत गोलीबारी हुआ था। ये इधर है जामेला गांव है दोस्तों। तो यहाँ पे इस टाइम पे ऐसा था, पूरा माहौल ऐसा ही था उसी दिन, इसी टाइम पे, उसी दिन यहाँ पे हुआ था दोस्तों। तो इस रेल पटरी के यहाँ पे हुआ था गोलीबारी, यहाँ पे इस रेल पटरी पे। अभी तो रेल बोर्ड गेज बन चुके हैं दोस्तों, पहला जो पुराना जो रेल रेल ट्रेन था। तो यहाँ पे ट्रेन को रख के रखा था माँ सुदेशना के साथ, और भी था, तो इसलिए यहाँ पे हुआ था। ये देखिए, ये जो पुराना जो ट्रेन था उसी का जगह है, पूरा मेन स्पॉट यही है। ये देखिए, ये बिलवाड़ी का है, बिलवाड़ी जो गाँव है वह ये है। और भी था यहाँ पे दोस्तों। आज का जो वीडियो है, बहुत बड़ा वीडियो बनने जा रहे हैं दोस्तों, बनाऊंगा। तो आज मैं आप सभी को लेके जाऊंगा वहाँ पे, ये जंगल है, तो वहाँ पे लेके जाऊंगा, वो मैं दिखाऊंगा आज जो माँ सुदेशना का जो गढ़ है, जहाँ पे जन्म हुआ और वहाँ पे बड़ा होके ये सब हुआ, वहाँ पे मैं आप सभी को लेके जाऊंगा। तो चलिए देखेंगे, आज मैं आप सभी को वहाँ पे लेके जाऊंगा जो माँ सुदेशना का घर, वहाँ पे मैं आप सभी को लेके जाऊंगा। तो चलिए वीडियो पे बने रहना दोस्तों, चलिए दिखाऊंगा। तो चलो, तो दोस्तों फिलहाल मैं आ चुका हूँ दोस्तों जो हमारा जो माँ सुदेशना का घर पे, उसका गाँव पे, खुद उसका पूरा घर पे मैं आप सभी को लेके जाऊंगा। तो चलिए, ये कचुबारी गाँव है दोस्तों, उसी कचुबारी गाँव में माँ सुदेशना का जन्म हुआ था और ये घर पे हुआ था। तो चलिए, तो देखते हैं, ये है सुदेशना का घर, हमारा वीरंगना जो है, हमारा फ्रीडम फाइटर जो है शहीद हुई थी, जो माँ सुदेशना, यही है। देखो, इसका तस्वीर भी यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखिए, माँ सुदेशना का उसी का घर है, ये घर है। तो कैसा लगा आप लोगों को दोस्तों, वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अभी आप सभी को मैं लेके जाऊंगा का जहाँ पे अंतिम संस्कार हुआ है, वहाँ पे आप सभी को मैं लेके जाऊंगा। अब चलिए, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे माँ सुदेशना का अंतिम संस्कार हुआ था उसी दिन, जिस दिन 1996, जिस दिन 16 मार्च को उसका मतलब गोली खा के शहीद हुई थी। मैगजीन 17 मार्च को यहाँ पे हुआ था उसका अंतिम संस्कार, बाद में हुआ था तो उसका जो डेडबॉडी लेके यहाँ पे अंतिम संस्कार। तो इसीलिए आज हम लोग माँ सुदेशना के याद में आज सब जगह पे माँ सुदेशना का शहीद दिवस मनाते हैं दोस्तों। ये देखिए, क्या कहते हैं,
एक मशीन, छोटा सा एक मशीन चल रहा है दोस्तों। ये मशीन देखिए यहाँ पे जबरदस्त मशीन हो रहा है दोस्तों। माना होना यहाँ पे का गाँव का लोग पूरा गाँव जल से इसका तो बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत ही ज़बरदस्त। मन करना चाहिए सब गाँव गाँव में चलना चाहिए दोस्तों। यहाँ देखिए मणिपुर का मतलब एक बड़ा दिन हुआ है आज, मतलब क्या बोले, आज बोलने का तो बहुत बात है लेकिन इतना नहीं बोलना चाहिए, सबको पता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं फिर से आया हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ पे माता का आज का दिन है, यहाँ पे एक शिशु भोजन गाँव है जो माँ श्री कृष्णा का जो गाँव है उसमें एक स्टैचू बनेगा दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पे भी एक छोटा सा सवाल रखा है वो बनेगा। तो दोस्तों आज आप लोग 16 मार्च को आप लोग हमेशा याद करके रहना है, रखना है। किसी को पता नहीं, इसको पता भी दिलाना है, इसको पता है, जिसको पता नहीं है उसको पता कराओ। तो ये सबको पता होना चाहिए क्योंकि ये हमारा विश्वपीय मणिपुरी का बहुत बड़ा दिन है दोस्तों। और क्या बोलूँ दोस्तों, तो अभी हम लोग जाएंगे और जगह पे, देखेंगे कहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे मना रहे हैं, कैसे किस तरह से मना के मनाते जा रहे हैं वो दिखाऊँगा। लेकिन हर जगह पे मनाते हैं दोस्तों, वो तो मुझे पता है क्योंकि सिलचार, जैसे कि सिलचार में मनाते हैं सही सुदेशना का स्टेचू, वहाँ पे मैंने भी देखा है दोस्तों, वहाँ पे भी मनाते हैं आज का दिन। और इधर आके हमारा पत्थरगंदी शोर के जैसे कि लोअरपा शिविरगुल बजेश्वरा ये इधर भी मनाते हैं दोस्तों। और बहुत जगह जगह पे माँ सुदेशना का याद करते हैं। मैं बोलने से क्या है, सबको पता है दोस्तों। तो कोई बात नहीं, आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, एक्चुअली आज शहीद दिवस है। उस 1996 में जो हुआ था वो हम लोग कभी नहीं भूलेंगे, वो भूलना ही नहीं है दोस्तों, याद करके रहना है। तो हमारा लिए उसने इतना बड़ा किया तो कभी हम लोग नहीं भूलेंगे, भूलने से नहीं होगा। और मेरे हिसाब से जिसको आज का दिन पता नहीं है वो तो मैं क्या बोलूँ, कुछ भी नहीं है, वो हमेशा याद करना है। पता नहीं कुछ नहीं है मतलब, पूछना चाहिए आज क्या हो रहा है, तो वो भूलना नहीं है। तो जिसको पता नहीं है उसको पता दिलाओ और पता होने के बाद नहीं भूलना ये दिन। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग जाएंगे मनोमाला पे, बहुत बड़ा आयोजन है आज का दिन 16 मार्च सुरेशना के लिए, बहुत बड़ा यहाँ पे आयोजन किया है दोस्तों। देखिए आज यहाँ पे मतलब मनोमाला पे बहुत बड़ा करके सब लोग यहाँ पे जमा हुआ है, माँ सुरेशना को माला दे रहे हैं दोस्तों, माला अर्पण कर रहे हैं सब लोग। बहुत बड़ा बड़ा लीडर भी है और संगठन से भी आए हुए यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, ऐसे करना चाहिए दोस्तों। कुमारी सुदेशनार मृत्यु वार्षिकी, ये कुमारी सुदेशना का मृत्यु वार्षिकी, मतलब कुमारी जो सुदेशना जो थी वो शादी नहीं हुई थी दोस्तों, शादी नहीं हुआ था वो, मतलब यंग टाइम पे, मतलब क्या होते हैं कुमारी, मतलब शादी नहीं हुई थी तो वो जवान थी, तब इसका वो आंदोलन पे फ्रीडम फाइटर थी उसी टाइम पे वो शहीद हुई थी, इसलिए कुमारी सुदेशना का मृत्यु वार्षिकी बोलते हैं। मृत्यु वार्षिकी को पता है उसका हर साल मनाया जाते हैं, 16 मार्च आने से ही हम लोग मनाते हैं। कुमारी सुदेशना सिंह मतलब निखिल विष्णुपुर मणिपुरी का बहुत बड़ा दिन है आज। और वो साथ में कुमारी तो पता है, कुमारी मतलब वो तब शादी नहीं होती, शादी भी नहीं हुआ था उसका, तब वो मतलब क्या बोलूँ दोस्तों, जवान थी
तब वो फ्रीडम उसी टाइम पे वो फ्रीडम फाइटर बन के हमारा बीसीपी मणिपुरी लोगों के लिए उसने बलिदान दिया, कितना बड़ा उसने करके दिखाया दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आज यहाँ पे मतलब बहुत कैमरा मैन भी है, आज मतलब बहुत होगा। देखिए दोस्तों, ये माँ सुलक्षणा का मूर्ति है, स्टेचू है, कभी आए तो ये पता करना चाहिए और देखना है। जो मुन्नमाला जो है एक पत्थरकंदी में मुन्नमाला का उस पार में माँ सुलक्षणा का स्टेचू है, तो यहाँ पे सब लोग है और ये उसका माला अर्पण दे रहे हैं सब लोग, उसको सम्मान किया जा रहा है दोस्तों। तो आप लोगों को कैसा लगा आज का जो ये माँ सुलक्षणा का शहीद दिवस हम लोग मनाते हैं हर साल उत्तराखंडी में, कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए दोस्तों, अगर अच्छा नहीं, अच्छा तो लगेगा जरूर, अच्छा नहीं लगेगा ऐसा तो कोई बात नहीं होगा दोस्तों। तो मैंने आज ये वीडियो किया और ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जाने माने एक कलाकार है, एक सिंगर है, ऋषिकेश सिन्हा, ये हमारा पत्थरकंदी का है। इसी ने मतलब माँ सुलक्षणा के लिए एक मतलब गाना आज रिलीज होगा, उसका जन्म जन्म बोल के शायद उसका, उसके लिए ये भी आए हैं, अच्छा बात है दोस्तों। उसके लिए माँ सुलक्षणा का ऊपर एक गाना बनाया उसने, बहुत बड़ा बात है वो। ठीक है दोस्तों, सबको उसको वो देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए, उसका जो गाना है सबको सुनना चाहिए, अच्छा अच्छा सब लोग मिल के सबको सब कुछ, जितना भी हमारा बिष्णुपुर मणिपुरी लोग है सब लोग मिल के सबको मिला के चलना है, बस सबको मिला के मतलब सब लोगों के साथ, झगड़ा जाति कुछ भी नहीं है। तो कैसा लगा दोस्तों, फिर मिलेंगे, बाय बाय। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।